नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के हसनपुरा उसरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और आपको बताते चले कि जो ऑन अली हैं, यहां के जो समाज सेवी हैं या फिर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, ये बैंक को सैनिटाइज करने के लिए निकले हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैंक के अंदर से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर शाखा प्रबंधक भी मौजूद हैं। ये ऑन अली जो हैं हाथों में सैनिटाइजर मशीन लेकर के आए हुए हैं, और तमाम जो बैंक के एक एक कमरे हैं, जिन विभागों के तमाम जगहों को ये सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो कस्टमर आते हैं और पैसों का आदान प्रदान भी होता है और कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है उसको बचाने को लेकर के। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सिवान के हसनपुरा प्रखंड के उसरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जहाँ पर ऑन अली स्वयं अपने हाथों पूरे बैंक को सैनिटाइज कर रहे हैं। तो एक यह अच्छा काम है, और लोगों को जो यह कोरोना जैसी जो महामारी है, कम से कम इससे बचाने के लिए आज के समय में सैनिटाइज बहुत ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऑन अली लगातार इधर लॉकडाउन में भी असहायों के बीच पहुंच रहे थे, उन तक राहत की सामग्री भी पहुंचा रहे थे, और एक बार फिर से इन्होंने बीड़ा उठाते हुए और बैंक में सैनिटाइज करने के लिए पहुँच चुके हैं। एक एक जो चाहे वो कैश से काउंटर हो या फिर जो भी काउंटर हो, भुगतान से लेकर के तमाम तरह के जो काउंटर हैं, उन तमाम काउंटर को भी इनके द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बैंक परिसर से ही आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ऑन अली जो हैं बिल्कुल अपने हाथों यहाँ पे सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी मशीन है बैंक में जो लगाई गई है, उन्हें भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से लोगों को बचाया जा सके इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर के। और पीछे में आप देख सकते हैं कि इस बैंक के शाखा प्रबंधक जो हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं, और इन्हीं के देख रेख में यहाँ पे सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये एक अच्छा कार्य है और होना भी चाहिए, क्योंकि सैनिटाइज करने से ही इस कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाया जा सकता है। तो तमाम एक एक जगह की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पूरे बैंक को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है ऑन अली के द्वारा। आप देख सकते हैं कि यही वो मशीन है, जो कि इसी मशीन में जो केमिकल है, सैनिटाइजर है, उनको रखे गए हैं, और उसके बाद से फुहारे से बैंक को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम कस्टमर भी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का इस बैंक में देखा जा रहा है कि लोग ख्याल रखे हुए हैं। हालांकि हम बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे यहाँ पे बैंक में सैनिटाइज किया जा रहा है। खुद जो ऑन अली हैं वो पहुँचे हुए हैं, अपने जो टीम है अपनी उससे लेकर के, और यहाँ पे सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। एक एक काउंटर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर थाने के कुछ स्टाफ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये बताइए कि आज ये जो किया जा रहा है कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है इसका जी। किनके द्वारा यहाँ पे ये किया जा रहा है? ये हमारे ऑन अली भाई हैं, उनके द्वारा सब किए जा रहे हैं, किया जा रहा है। और भी जो ऑफिस हैं या थाने भी हैं या बैंक भी हैं, तमाम जो सरकारी विभाग हैं, वहाँ भी होना चाहिए कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए। बहुत ज़रूरी हम लोग का है, होना चाहिए, थाना में होना चाहिए। मेरा नाम रतन कुमार यादव हुआ। रतन कुमार यादव हैं, स्थानीय थाना जो है हसनपुरा उसके स्टाफ हैं, और हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे, देखिए ये बैंक मैनेजर का यह चैम्बर है और इसे भी सैनिटाइज किया जा रहा है, खुद अपने हाथों वो सैनिटाइज कर रहे हैं। तो यह एक अच्छी और सराहनीय पहल है, और इस तरह से जो भी समाज सेवी हैं अगर आगे आएँ तो जाहिर तौर पे जागरूकता लोगों के अंदर लाएंगे, और बहुत जल्द इस कोरोना जैसी जो महामारी है उससे हम लोग जंग भी बहुत जल्द जीत सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सिवान ज़िले के हसनपुरा प्रखंड का जो उसरी बाज़ार है, वहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और वहीं की यह तस्वीर है जहाँ पे सैनिटाइज करने का पूरे बैंक को काम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बैंक के जो शाखा प्रबंधक हैं ये मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि सर कितना अच्छा सराहनीय कार्य है। बहुत बढ़िया कार्य है ये, क्योंकि अभी कोरोना जैसे महामारी के दौर में सैनिटाइज़र और मास्क लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और 2 गज की जो डिस्टेंस है उसको पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। उसी का एक पार्ट है जो सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये जो सैनिटाइज जो किया जा रहा है, ये क्या बैंक की तरफ से किया जा रहा है या फिर? नहीं, समय समय से बैंक की तरफ से भी किया जा रहा है, और ये अभी ऑन अली की तरफ से किया जा रहा है, और बैंक अपने तरफ से हर 2-4 दिन पे सैनिटाइज अपने पूरे ब्रांच को कर रहा है, और जो भी डिस्टेंस जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, और हम लोग उसके लिए पूरा। तो बैंक में कई तरह के जो अलग अलग चैम्बर बनाए गए हैं, उन सभी चैम्बर को किया गया? सारे चैम्बर को किए जाते हैं डेली, और जो पब्लिक जो एंट्रेंस का एरिया है वहाँ पर मेनली किया जाता है, और जो हम लोग जहाँ हम लोग रहते हैं और जहाँ पे
कस्टमर का आवागमन ज़्यादा है, जहाँ पे छूने का ज़्यादा संभावना, जैसे कि गेट हुआ, ग्रिल हुआ, काउंटर हुआ, बोर्ड हुआ, डेस्क हुआ, ये सब को ज़्यादा सैनिटाइज किया जाता है, ताकि यहीं पे से कोरोना का फैलने का चांसेस है। जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ पे सैनिटाइज भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादा मुख्यतः जहाँ पे डेली यूजेज का काम हो वहाँ पे हम लोग डेली करते हैं। मेरा नाम रविराज सिंह हुआ। रविराज सिंह हैं, इस बैंक के शाखा प्रबंधक हैं, और इनके द्वारा यह बताया गया कि बैंक भी लगातार दो दिनों पे, तीन दिनों पे सैनिटाइज का काम करती है, लेकिन आज जो है समाजसेवी ऑन अली जो हैं उनके द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि बैंक मैनेजर ने जो बताया कि जो काउंटर हैं या फिर तमाम तरह की जो सार्वजनिक चीज़ें हैं बैंक में, जैसे कि मान लीजिए काउंटर हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो जाहिर तौर पे कस्टमर जो है वो काउंटर पे टच होंगे, तो इसको लेकर के कोरोना जैसी महामारी जो है उसका ज़्यादा यहाँ पे ये संक्रमित होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो इसको लेकर के तमाम वो जगह हैं जिसे यहाँ पर सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। हम ऑन अली से ही बात करेंगे कि ऑन अली जी क्या कहना चाहेंगे और इसके पीछे का कारण क्या है। यहाँ आइए थोड़ा, आखिर इस तरह की सोच क्या कैसे होगी, यहाँ पे आइए थोड़ा, कि आपने बैंक को सैनिटाइज करने का प्लान बनाया। बैंक का सैनिटाइज करने का प्लानिंग जो बना, ये बात से देखिए, यहाँ पर जनता का आगमन रहता है और बैंक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर गरीब लोग या अमीर लोग जो भी हो बैंक की ज़रूरत पड़ती है, जिनको वो बैंक में आते ही है, और एक दूसरे से छूत की बीमारियाँ हैं, कोरोना किसी को कहकर नहीं आती है ना, ये किसी को भी लग सकता है। तो बैंक को सैनिटाइज करने का हमको यही एक मकसद है कि जो लोग आ रहे हैं वो सेफ रहें। आप जैसे पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी आप किसके हाथ में क्या है, क्या लगा है, वो तो समझ में नहीं आ रहा ना, तो सैनिटाइज रहेगा, कहीं छू रहे हैं तो हो सकता है उसको छूने से किसी और को बीमारियां फैल जाए, इसे पूरे बैंक को हम सुरक्षित रखने के लिए ये कर रहे हैं। तो क्या बैंक में आने के बाद से कौन कौन से पूरे चैम्बर को आपके द्वारा सैनिटाइज किया गया? जी, बैंक में आने के बाद हमने सबसे पहले मैनेजर साहब का चैम्बर है उसको हमने सैनिटाइज किया, उस बाद जितना है ऑफिस, जितने इनके ऑफिस है कार्यकर्ता के, इनके स्टाफ के, सभी ऑफिस को हमने सैनिटाइज किया, और टेबल से लेके ये नीचे फर्श जो है पूरा ग्रिल किया गया कि आदमी सुरक्षित रहे, कोरोना से बचाया जा सके। जी, कोरोना से बचाया जा सके, इसीलिए आदमी सुरक्षित रहे, इसलिए आदमी इस यूज़ किया है। तो आगे क्या कुछ प्लानिंग है फिर इस बैंक के बाद, कहीं और भी प्लानिंग है सैनिटाइज करने का? देखिए, पूरे बाजार में सैनिटाइज हमको करना है, बहुत सारे मंदिर मस्जिद है उसको भी सैनिटाइज करना है, दीवाले मेन गेट दरवाजे पर सैनिटाइज करना, ये सब हमको सैनिटाइज करना है। लॉकडाउन जब से लगा है आपको मालूम है 4-5 मास तो हम इस सब में लगे हुए हैं, हर सेवा कर रहे हैं जनता की, मेन जनता की सेवा ही करना असली मान्यता होता है, तो फर्ज मेरा बनता है, वो सेवा कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये ऑन अली थे और इनसे बातचीत हुई, और जिस तरह से आज हसनपुरा का जो उसरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और उसमें सैनिटाइज कराने का काम किया गया, तो इनका यह भी कहना है कि आगे कई मंदिर हैं, मस्जिद हैं या फिर पूरे बाजार हैं, उन सभी बाजारों को भी सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोरोना जैसी महामारी से लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके। सिवान के हसनपुरा से एटीएन लाइव के लिए हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान, स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान, बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, सुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीवी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5-10% की छूट पाए, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाएं कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।